हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पहला सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे आज से हमारे एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बुक के बारे में, जो यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और बाकी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। चाहे वो सीयूएट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये जो बुक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये बुक है रमेश सिंह। हाँ बेटा, तो आज से हम ये जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे ये दोनों इंग्लिश और हिंदी में मिक्स रहा करेंगे। इट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज चैप्टर नंबर वन, एंड रोज हम थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो लेट इस स्टार्ट विद दिस बेटा, एंड द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज द इंट्रोडक्शन टूडे। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी आर स्टार्टिंग विद अ पॉइंट वेयर वी आर सेइंग जो इसकी जो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हमें इसके बारे में समझना है। इकोनॉमिक्स को डिसिमल साइंस कहा गया। इकोनॉमिक्स हैज बीन कॉल्ड एज डिसिमल साइंस। अब ये टर्म बहुत पहले 1849 में एक स्कॉटिश हिस्टोरियन थे और फिलोसोफर थे, उनका नाम था थॉमस कार्लेल, एंड उन्होंने ये इकोनॉमिक्स को डिसिमल साइंस बोला। डिसिमल का मतलब होता है डिप्रेसिंग, डिसिमल का मतलब होता है पुअर। सो व्हाई देन ही कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज डिसिमल साइंस? ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिसिमल साइंस कहा, उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिप्रेसिंग कहा, दुखद कहा? व्हाई, व्हाट हैपेंड? सो ही वाज इंस्पायर्ड बाय टी आर माल्थस। माल्थस एक और हमारे बहुत प्रोमिनेंट फिलोसफियन इकोनॉमिस्ट थे, और माल्थस ने कहा था कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना, वो जो है वो ज्यादा रेट से ग्रो करेगी एज कंपेयर टू हमारा जो फूड प्रोडक्शन है। पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन विल ग्रो एट अ वेरी हाई रेट, एंड एज कंपेयर टू इट फूड विल ग्रो एट अ कंपेरेटिवली लोअर रेट। तो इमेजिन, जब पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो करेगी और उतने से खाना ग्रो नहीं करेगा, तो इससे क्या आएगा? पॉवर्टी। लोगों के पास खाना नहीं होगा, राइट? सो पीपल विल बी पुअर, हार्डशिप होगी। सो व्हाट ही मेंट बाय डेसिमल साइंस, उन्होंने डेसिमल साइंस क्यों बोला? बिकॉज ही वाज इंस्पायर्ड बाय टी आर माल्थस। वो माल्थस से बहुत ही इंस्पायर्ड थे, इन विच माल्थस सजेस्टेड, माल्थस ने ये सजेस्ट किया था दैट द पॉपुलेशन विल ग्रो फास्टर देन फूड। पॉपुलेशन फूड से ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी, therefore causing poverty and hardship, जिसकी वजह से पॉवर्टी, जिसकी वजह से हार्डशिप इकोनॉमी में आएगी। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? रिडल फॉर कॉमन पीपल टू कॉम्प्रेहेंड। अब बहुत लोग इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं ना, कि ये तो आम जनता के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर कॉमन पीपल, कॉमन पीपल आर नॉट, कैन नॉट इंटरप्रेट इकोनॉमिक्स, वो नहीं बता सकते कि इकोनॉमिक्स क्या है। सो मेनी पीपल से दैट दिस इज अ रिडल फॉर द कॉमन पीपल, कॉमन लोग इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, लोगों के लिए मुश्किल है इंटरप्रेट करना, और बहुत लोग इसको डिप्रेसिंग एंड पुअर साइंस भी बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया ये टर्म कहाँ से आया था। मेनी पीपल ऑल्सो, मेनी इकोनॉमिस्ट, मेनी अदर पीपल ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज अ फेल्ड साइंस। वो इकोनॉमिक्स को फेल्ड साइंस भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? सो हमें सबको पता है कि 2008 में इकोनॉमिक्स 2008 में जो वर्ल्ड है वहां पर बहुत ज्यादा रिसेशन, डिप्रेशन आया था, है ना? और बोला ये जाता है कि अगर इकोनॉमिक्स एक अच्छी साइंस होती, अगर इकोनॉमिक्स प्रिडिक्शन अच्छे से कर पाती, तो फिर ये प्रॉब्लम आती ही नहीं, तो फिर ये डिप्रेशन, ये रिसेशन का पीरियड आता ही नहीं। बट बिकॉज हम इस सब प्राइम क्राइसिस को, जो हमारा हाउसिंग क्राइसिस हुआ था, जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम आई थी यूएस में, क्योंकि हम उसको अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस ऑफ 2008,
सो वो प्रिडिक्शन प्रॉब्लम की वजह से, बिकॉज वी कुड नॉट प्रिडिक्ट दैट, इट इज कॉल्ड एज अ फेल्ड साइंस. इसको हम फेल्ड साइंस भी बोलते हैं. सो आई होप ऑल दीज थ्री थिंग्स आर क्लियर टू यू. इट हैज बीन कॉल्ड एज डिसमल साइंस, इट हैज बीन कॉल्ड एज अ रिडल फॉर कॉमन पीपल टू सॉल्व, इट हैज बीन कॉल्ड एज फेल्ड साइंस. ये तीनों ही चीजें हम इकोनॉमिक्स के लिए यूज करते हैं. ओके बेटा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स होती क्या है, क्या किस चीज को इकोनॉमिक्स बोला जाता है? सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग. जब हम लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एनी एक्टिविटी वेयर मनी इज इन्वॉल्व. इफ आई एम टीचिंग यू एंड यू आर पेइंग मी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इफ आई एम गोइंग टू ऑफिस एंड वर्किंग एंड द कंपनी इज पेइंग मी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो ऑल एक्टिविटी वेयर मनी इज इन्वॉल्व, जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व होगा, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे. हाँ बेटा, और जब हम लोगों की इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, व्हेन वी गो अहेड एंड वी स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, व्हेन वी इंटरप्रेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जॉब लेना, कुछ बेचना, कुछ खरीदना, बिजनेस बनाना, कुछ कंस्ट्रक्ट करना, एनीथिंग वेयर मनी इज इन्वॉल्व इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होगा, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ने को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं. सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बी. ओके, सो लेट्स रीड द ऑफिशियल डेफिनेशन नाउ. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कैर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल. अब बहुत बारी क्या होता है कि जो जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, दैट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ स्कैर्सिटी. देखो बेटा, जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन नेचर. रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन नेचर. स्कैर्स मतलब कि लिमिटेड, कमी है रिसोर्सेस की. बट वॉन्ट्स जो होती हैं, वो लोगों की अनलिमिटेड होती हैं. एक बेसिक एग्जाम्पल समझने के लिए आप समझो अपनी खुद की पॉकेट मनी को. आपको मंथ का आपके पेरेंट्स से 5,000 रुपीज पॉकेट मनी देते हैं. अब इसमें आपको अपना पीजी का भी पे करना हो सकता है, आपको अपना खाना भी खाना है, आपको अपना बुक्स को भी रेंट पे लेना है, आपको मे बी एक महीने की मूवी भी देखनी है. सो यू हैव स्कैर्स मनी. आपका जो पैसा है, जो पॉकेट मनी है, वो लिमिटेड है. और उस लिमिटेड पॉकेट मनी के अंदर आपकी वॉन्ट्स बहुत अनलिमिटेड है. यू वॉन्ट टू डू दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो, बट आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना. यू विल डिस्ट्रीब्यूट योर मनी इन द बेस्ट पॉसिबल वे. आप उसको सबसे बेहतरीन तरीके से, वॉट एवर इज द बेस्ट वे पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इनकम, यू विल गो अहेड एंड डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी अकॉर्डिंगली. जो भी आपकी पॉकेट मनी है, उसको आप बेस्ट वे में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो वॉट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज दिस स्टडी जिसमें आप जो भी आपके स्कैर्स रिसोर्सेज है, उनकी पढ़ाई करोगे. यू विल स्टडी द स्कैर्स रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू पुट देम टू द बेस्ट यूज. उनको हम अपने बेस्ट यूज में कैसे डाल सकते हैं, उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं. दैट इज वॉट इज इकोनॉमिक्स. इज दिस क्लियर? ओके बेटा, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. सो दिस इज इकोनॉमिक स्टडीज हाउ इंडिविजुअल फर्म, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन आर सोसाइटी मेक चॉइसेस एंड हाउ दीज चॉइसेस डिटरमाइन सोसाइटीज यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेस. अब क्या बोल रहे हैं हम? एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में, वर्ल्ड में, कहीं पे भी, इकोनॉमी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी. इकोनॉमी के बारे में हम अभी बात करेंगे, व्हाट इज इकोनॉमी. बट बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं. एक इंडिविजुअल्स, जैसे हम इंडिविजुअल मतलब जो जाते हैं जॉब करते हैं, जाते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं. एक फर्म्स जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, या फैक्ट्री हो गई जहां पे लोग जाके जॉब कर रहे हैं. एक गवर्नमेंट जो इस पूरी कंट्री को रन कर रही है, देख रही है कि चीजें ढंग से हो रही हो, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं. तो ये सब जो इकोनॉमी
में हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, पीपल हु एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, फर्म्स एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, टू स्टडी देम, इनके बारे में पढ़ना कि इंडिविजुअल्स क्या क्या कर रहे हैं, वो कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, फर्म्स क्या कर रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने पे लोन ले रहे हैं, कितनी सेविंग्स यूज कर रहे हैं, कितने बैंक के पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितना टैक्स कलेक्ट कर रही है, कितनी सब्सिडीज दे रही है, कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, अदर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, कितने एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, कितने इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, टू स्टडी एवरीथिंग इन इन दिस इकोनॉमी. जब हमें ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है, वेन वी वॉन्ट टू स्टडी इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के अंदर जब हम ये सारी चीजों को पढ़ते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स. और हर इंडिविजुअल अपने रिसोर्सेस को, अपने स्कैर्स रिसोर्सेस को मैक्सिमाइज करें. एज इंडिविजुअल मैं अपनी इनकम में से अपनी अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रही हूँ, एज फर्म वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, एज गवर्नमेंट वो अपने सरप्लस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. सो एवरी एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फर्म हो, गवर्नमेंट हो, दे वॉन्ट टू गो अहेड एंड दे वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ देयर रिसोर्सेस. ठीक है बेटा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स स्कैर्स रिसोर्सेस. अब इकोनॉमिक्स क्या है कि कैसे सोसाइटी अपने स्कैर्स रिसोर्सेस को यूज करती है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करती है, उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं. इकोनॉमिक्स हैज टू मेन ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. सो इमेजिन दैट व्हेन आई विल स्टडी वन ट्री, अगर मैं किसी एक पेड़ के बारे में जानती हूँ, जैसे ये पेड़, ये कौन से पेड़ होते हैं जो ऐसे दिखते हैं, ये कौन से पेड़ होते हैं जो ऐसे दिखते हैं, ये कौन से पेड़ होते हैं जो ऐसे दिखते हैं, ये कौन से पेड़ होते हैं जो ऐसे दिखते हैं. अगर मैं एट अ टाइम एक ट्री के बारे में जानती हूँ, इफ आई वॉन्ट टू गो एड एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट वन पर्टिकुलर ट्री, मेरे को किसी एक ट्री के बारे में जानना है, आई वॉन्ट टू इंटरप्रेट वन पर्टिकुलर ट्री, देन दैट इज माइक्रो. बट इफ आई वॉन्ट टू इंटरप्रेट एवरीथिंग अबाउट अ फॉरेस्ट, मुझे फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ जानना है, उसमें सारे ट्रीज इंक्लूडेड है, दैट इज मैक्रो. सो मैक्रो इज एग्रीगेट. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कब आया, जब हमारा सबसे पहला डिप्रेशन इकोनॉमी में आया, वर्ल्ड में आया, ग्रेट डिप्रेशन 1830 में, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया. सो उस ग्रेट डिप्रेशन के बाद जॉन मैनार्ड केन्स, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ही इज द वन हु स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली. उन्होंने एक थॉट प्रोसेस अलग चेंज किया, वी कॉल्ड दैट एज केनेशियन इकोनॉमिक्स. और तब उन्होंने देखा कि हमें इकोनॉमी को और ढंग से पढ़ने की जरूरत है, एट एन एग्रीगेट लेवल, एक साथ लोगों को एक साथ लेकर. सो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इट मींस दैट मैं कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सबको एक साथ एक इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ रही हूँ. सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी इकोनॉमी का जीडीपी कितना है, मतलब कंट्री का पूरा इनकम कितना है, सारे लोग मिलके कितना अर्न कर रहे हैं, हाउ मच दे आर अर्निंग एज अ होल. बट जब मैं इंडिविजुअल्स की बात करती हूँ, तब मैं बात करती हूँ कि इंडिविजुअल्स कितना अर्न कर रहे हैं, जैसे मेरी इनकम कितनी है, फर्म के प्रॉफिट्स कितने हैं, गवर्नमेंट का टैक्सेस और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, उनमें सरप्लस है या डेफिशिट है. सो इफ आई एम स्टडिंग देम इंडिविजुअली, देन इट इज माइक्रो. इफ आई स्टडी एज अ होल, देन इट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इट इज अ बॉटम्स अप अप्रोच, मतलब हम सबसे छोटे से शुरू करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम एंड वी गो टिल द टॉप. वी स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, वी स्टार्ट फ्रॉम फर्म, वी स्टार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, वी स्टार्ट विद वन पर्सन एट अ टाइम. वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन मतलब कि हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं कि हमारी कंट्री का जीडीपी कितना है, हमारी कंट्री में एज अ होल इन्फ्लेशन कितना है, हमारी कंट्री में एज अ होल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ होल एंड देन वी लुक इनटू स्मॉलर एस्पेक्ट. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ टॉप डाउन अप्रोच एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ बॉटम अप अप्रोच.
एक और टर्म इमर्ज होती है विच इज नोन एज इकोनोमेट्रिक्स. इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली मीन्स इकोनॉमिक्स प्लस मेट्रिक्स. मेट्रिक्स मीन्स मैथ्स. सो जब हम इकोनॉमिक्स को मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं, जब हम कुछ फंक्शंस देते हैं कि देखो मेरी जो डिमांड है ना वो ऐसी दिखती है, कुछ नंबर्स दे देते हैं, कुछ इक्वेशंस दे देते हैं. सो व्हेन वी गो अहेड एंड गिव सम इक्वेशंस, सम मैथमेटिकल फॉर्मेट, देन वी आर डीलिंग विद इकोनोमेट्रिक्स. नाउ वन अनदर क्वेश्चन दैट अराइजेस, व्हाट इज एन इकोनॉमी? सो इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स इन एक्शन. व्हेन वी पुट इकोनॉमिक्स इन एक्शन, जब हम इकोनॉमिक्स को एक्शन में पुट करते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमी. कंट्रीज इन एक्शन, तो कंट्री की इकोनॉमी हो गई, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, एक्सेट्रा. जैसे इफ यू पिकअप एनी बुक जो जिसका नाम होगा इंडियन इकोनॉमी, वो क्या क्या बताता है कि इंडिया ब्रिटिश रूल में कैसी थी, कोलोनियल पीरियड में कैसी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसी रही, उसका जीडीपी कितना रहा, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, कितनी इन्फ्लेशन थी, कैसा एग्रीकल्चरल सेक्टर था. मतलब हमारी इकोनॉमी एक्शन में कैसी है, जब हम इसको एक्चुअल में पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टार्ट इंटरप्रेटिंग द जीडीपी, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो कैसे कैसे होते हैं, जब हम वो समझने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, इट इज बिकमिंग एन इकोनॉमी. ऐसी कंपनी की भी इकोनॉमी हो सकती है. अगर मैं कंपनी के कल्चर को, उस कंपनी की प्रॉफिट्स को, उस कंपनी की कॉस्ट को, उस कंपनी की एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को पढ़ू, देन दैट इज द इकोनॉमी ऑफ द कंपनी, राइट? सो इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स इन एक्शन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच. आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.